नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनू के तरीके में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, कान्हा जी का खूबसूरत सा ड्रेस लेके आई हूँ। डांगरी ड्रेस है, तो इस तरह से ये डांगरी ड्रेस है। दो दो पार्ट में है, ऊपर का जैकेट अलग है और नीचे का डांगरी अलग है। तो इस तरह से ये ड्रेस है। और फ्रेंड्स, ये कैसे बनाएंगे तो उसके लिए मैंने नीचे का वीडियो पहले ही शेयर कर दिया है। अब मैं ऊपर का जैकेट का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कैसे बनाना है चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो चल स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं सीधे सीधे कैप बना लूँगी। कैप से शुरू होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम कान्हे जी की ये कैप हमने बना ली है। तो कैप के लिए मैंने 20 फंदे डाले थे। तो अब ये मैंने 20 लाइनें बना ली हैं, दोनों तरफ से 10-10 लाइनें। अब मैं ये 20 फंदे हैं, तो यहाँ से मैं नीचे का जैकेट का पार्ट बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से मैंने ये दूसरा कलर का ऊन ज्वाइन कर दिया है। अभी मैं 20 फंदे हैं, तो मैं यहाँ साइड में एक फंदा घटा दूंगी, 2 का 1 कर दूंगी, क्योंकि मुझे नीचे का जैकेट बनाने के लिए केवल 18 फंदे चाहिए। तो इस तरह से मैं 2 का 1 करके एक मैंने घटा दिया। और अभी हम एक लाइन पूरी सीधे सीधे बना लेंगे इस तरह से। तो चलिए बना लेते हैं पूरा। एक तरफ इधर से सीधी लाइन बनाएंगे और एक तरफ उल्टे साइड से पूरी उल्टी उल्टी लाइनिंग बना लेंगे। अब ये हमारे 18 फंदे रह गए हैं। और पीछे साइड से भी हम पूरा सिंपल उल्टा बना लेंगे। फिर उसके बाद से हमारा पैटर्न शुरू होगा फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने बना लिया। अब यहाँ से हम जैकेट का पैटर्न डालेंगे। तो यहाँ 2 फंदे पहले मैं सीधे बना लूँगी, फिर 2 फंदे का जाली बनाएंगे। तो एक जाली और फिर धागा आगे करके दूसरी जाली, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करके दूसरी जाली डालेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बनाएंगे। इस तरह का रिपीट करते करते लास्ट में हमारे जाली 2 फंदे, फिर लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे। तो इसी में फ्रेंड्स, हमारे दोनों बाजू और आगे और पीछे का सब पल्ला एक साथ बनता है। पीछे के साइड हमको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे पूरा उल्टा बुनाई करेंगे। पूरी सिलाई हम उल्टी बुनाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए, मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है क्योंकि स्लो करने से बहुत टाइम लग जाता है। तो पीछे कुछ नहीं करना है, तो सिंपल उल्टी उल्टी सिलाई बुननी है, इसलिए मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है। अब देखिए, हम फिर से सीधे के साइड आ गए हैं। तो अब फिर हम पहले 2 उल्टे बनाए थे, अब 3 सीधे बनेंगे, सॉरी 3 सीधे बनाए थे, फिर 2 जाली इस तरह से देख सकते हैं, फिर सीधा, फिर सीधा, फिर सीधा, फिर सीधा, 4 सीधे बन जाएंगे, फिर 2 जाली डालेंगे। इसी तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा। तो हर सिलाई पे यहाँ पे 8 फंदे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जब हमारे 50 फंदे हो जाएंगे, तब तक हम जाली डालेंगे। तो इसमें जाली पड़ती रहेगी जब तक हमारे फंदे 50 ना हो जाएं। जो हमारे फंदे 18 थे, वो बुनाई करते करते 6-7 सिलाई के बाद पूरे 50 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि हर सिलाई में 8 फंदे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और पीछे के साइड केवल उल्टी उल्टी ही बुनाई करनी है। इस तरह से हम पूरी उल्टी उल्टी बुनाई कर लेंगे। पीछे के साइड हमको कुछ नहीं करना है, पीछे के साइड उल्टे के साइड पूरी उल्टी उल्टी ही बुनाई होगी फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा बन गया। अब यहाँ पे मैंने दूसरा कलर ऐड कर दिया है क्योंकि मेरे पास ऊन कम था। तो इस तरह से देखिए, अब हम यहाँ से बाजू अलग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने आगे का पल्ला बना के अलग कर लिया है, और ये जो जाली के बाद से ये मैं पिन में इस तरह से 11 फंदे उतार दूंगी।
इस तरह से जाली तक 11 फंदे में पूरे पिन में उतार दूंगी। ये हम बाद में बनाएंगे। देखिए ये जाली तक, ये जो सीधी जाली आ रही है, अब यहाँ से हम इसको भी बुनाई कर देंगे इस तरह से। ये पीछे का पल्ला हमारा आगे के पल्ले के साथ अटैच हो गया। अब हम पूरे फंदे हम पीछे वाले पल्ले के पूरे फंदे हम सीधे सीधे बुनाई कर लेंगे। फिर जो दूसरी बाजू आएगी उसको भी हम पिन से इसी तरह फंदे 11 फंदे हम उतार लेंगे। देखिए ये जाली आ गई, तो ये जाली के बाद से जो सीधी पट्टी गई है उसके बाद से इतना फंदा हम दूसरे पिन में भी ले लेंगे। तो चलिए इसमें ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ के भी 11 फंदे हम पिन में ले लेंगे। ये अब इसको हम पिन अप कर देंगे, इसको हम बाद में बनाएंगे। फिर ये आगे का पार्ट पीछे के पार्ट से ज्वाइन, और ये आगे पीछे का पूरा पार्ट एक साथ ज्वाइन हो गया। अब ये हम पूरा बनाएंगे, आगे की तरफ से 10 सलाई बना लेंगे। और पीछे की तरफ से पूरी उल्टी उल्टी बुनाई होगी। तो चलिए हम थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर वापस आपके पास आते हैं। पीछे एकदम उल्टा उल्टा ही बुनाई करना है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है। और आगे पूरा सीधी सीधी बुनाई होगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, इसको कोई भी बना सकता है। और आप चाहें तो सेम फंदे आप राधा जी के लिए भी डाल करके सेम ड्रेस बना सकते हैं। ये 3, 4 और 5 नंबर साइज़ के कान्हा जी के लिए फंदे काफ़ी हैं। तो इस तरह से आप बनाइए, एंजॉय कीजिए और कान्हा जी को पहनाइए। तो ये देखिए मैंने 3 लाइनिंग बना ली है, तो इसी तरह से और बना लेंगे हम चोली के लिए। कम से कम 10-12 सिलाइयाँ बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मैं बनाने के बाद फिर वापस आती हूँ आपके पास। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बना करके और बंद कर दिया है। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये आगे का पल्ला हमारा बन गया है और ये हमारी कैप है। अब मैंने ये एक बाजू के फंदे मैंने इसी में उठा लिया। अब ये दूसरे बाजू के फंदे भी इसी में उठा लूँगी और दोनों बाजू में एक ही सिलाई पे बना करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए ये 11 फंदे मैं ये सिलाई में उतार लेती हूँ। बहुत ध्यान से उतारना होता है, नहीं तो ये गिर भी सकते हैं, और अगर एक भी फंदा गिर गया तो पूरा बनाया हुआ निकल जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से केयरफुली फंदे इसमें हम डाल लेंगे। तो ये देखिए हमने डाल लिया। अब मैं दोनों बाजू में अलग अलग ऊन ज्वाइन करके और मैं दोनों बाजू एक ही सिलाई पे बनाऊंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने दो छोटे छोटे गोले ले लिए हैं। तो पहला मैं ऊन यहाँ से अटैच कर लूँगी। ये देखिए एक बाजू के लिए हम यहाँ से, और जितना हमने नीचे का पार्ट बनाया था पल्ले का जैकेट का, उतना ही हम बाजू बना करके और सेम पैटर्न की तरह हम बंद कर देंगे। सिंपल है, मैंने कितनी बार ये आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी किया है। इसमें मतलब सीधा उल्टा दोनों तरफ बनाना है, तो सीधे की तरफ सीधा बुनाई होगी और उल्टे की तरफ उल्टी बुनाई होगी। तो इस तरह से देखिए अभी हम सीधा बना रहे हैं। तो ये हमारी एक बाजू का फंदे बन गए। अब हम यहाँ से उसी सिलाई में दूसरी ऊन ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारी दूसरी बाजू के फंदे बन जाएंगे। तो ये हमारे साथ साथ और एक साइज़ में बन जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ हम गांठ लगा लेंगे अच्छे से। गांठ ज़रूर लगाना है, कभी भी मत भूलिएगा, वरना सारे फंदे खुल जाएंगे। तो इस तरह से हम सीधे सीधे बुनाई कर लेंगे। ये देखिए
ये भी हमारा दूसरा बाजू के भी फंदे कंप्लीट। तो इसी तरह से हम बनाते बनाते और जैसे हमने आगे का नीचे का पल्ला बनाया उतना बना करके हम बंद कर देंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने वीडियो फास्ट कर दिया। इस तरह से हम सीधे सीधा की तरफ सीधा और उल्टी की तरफ उल्टा बुनाई करते हुए हम बाजू कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम सारे फंदे बंद करके इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बना लिए। तो ये देखिए हमारा बनके तैयार है और दो उल्टे लाइनिंग मैंने लास्ट में बना ली है। अब इसको हम बंद कर देंगे। तो जिस तरह से मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है उसी तरह से हमको बंद करना है। तो यहाँ से दो फंदे ले लेंगे और दो का एक करते हुए फिर इस फंदे को ले दोबारा ले लेंगे फिर दो का एक करते हुए इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए दो का एक करते हुए हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो चलिए बंद कर लेते हैं फटाफट। ये हमारा एक बाजू का कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसको हम अच्छे से गांठ लगा देंगे और थोड़ा धागा छोड़ते हुए इसको हम कट कर देंगे ताकि इसी से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई। इस तरह से सिलाई करेंगे फिर अब हम दूसरी बाजू भी बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरह से ये इस तरह से ये बाजू आ जाएगी और ये आगे का और ये कैप। तो इसको हम सिलाई करेंगे। अभी हम सभी को उल्टा करके सिलाई करेंगे। तो पहले इस तरह से ये जो बाजू है इसी ऊन से हमने इतना एक्स्ट्रा कट किया है इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेंगे और ये वाली जो बाजू है यहाँ इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेंगे फिर गांठ लगा देंगे। फिर उसके बाद ये जो कैप है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेके ये ऊपर की साइड हमको सिलाई करनी है। तो चलिए सिलाई कर लेती हूँ मैं फटाफट। तो इस तरह से देखिए पहले मैं कैप सिलाई कर रही हूँ फटाफट ये दोनों को ज्वाइन करते हुए और ऊपर से सीधा सीधा ऐसे सिलाई करके और हम डबल गांठ लगा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी कैप सिल गई। अब हम बाजू सिलेंगे। तो ये देखिए ये बाजू यहाँ से हम दोनों पल्लों को जोड़ते हुए इधर से हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। नीचे जहाँ तक खुला हिस्सा है वहाँ तक हम जाली तक सिलाई कर लेंगे और फिर डबल गांठ लगा करके ऊन कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी एक बाजू सिल गई। तो सेम इसी तरीके से हमको दूसरी बाजू भी सिल लेनी है। तो चलिए सिल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी प्यारी सी छोटी सी कान्हा जी की बाजू तैयार। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जैकेट कान्हा जी की बन करके तैयार हो गई है। कितनी क्यूट सी कितनी सुंदर सी। और ये है तो इसके अंदर ये ऐसे ऐसे ये इसके अंदर चली जाएगी और ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर इस तरह से हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस तैयार है। ये इस तरह से हो जाएगी और ये पीछे से इस तरह से। देखिए कितनी प्यारी है कितनी सुंदर है। तो इस तरह से हमको वेयर करना है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा और ये ड्रेस कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।